तो हाय गाइस, हम आ गए हैं वापस फिर से एक और नए वीडियो के साथ। और भाई आज का वीडियो थोड़ा सा खास है, एक आज अलग टाइप के वीडियो पे बात होने वाली है। तो आज अपने कलेक्शन में हम कुछ नया ऐड करने जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे कि क्या ऐड करने जा रहे हैं, क्या सीन होने वाला है। तो छोटा वीडियो होगा तो बियर कर लेना मेरे साथ, ठीक है। तो एक्चुअली मैं थोड़ा एक्सपीरियंस भी बताने वाला हूं। तो मैंने जापान से कुछ बेस मंगाए हैं, तो यहां पे देख सकते हो ये एक बॉक्स है और ये आया है वाया DHL, ठीक है। तो ये DHL से मैंने एक बॉक्स मंगाया है बेस का, तो इसमें देखेंगे क्या निकलने वाला है। मैं काफी एक्साइटेड हूं, मुझे वैसे पता है क्योंकि हम लोग जब ऑर्डर करते हैं तो लॉट को छोड़ के जो लॉट्स होते हैं, जो एकदम लॉट में उठाते हैं इकट्ठा सामान, उसमें नहीं पता होता है। बट मोस्टली जो ऐसे बॉक्सेस होते हैं, जो निब ऑर्डर्स होते हैं, उसमें सब में हमको पता होता है कि क्या निकलने वाला है। तो भाई यस, इसमें अपने बेस निकलने वाले हैं। हमने कुछ बेस ऑर्डर किए हैं और काफी स्पेशल बेस हैं, तो इस बॉक्स को ओपन करेंगे। वैसे मैंने थोड़ा सा इसको फाड़ वाड़ दिया, यहाँ पे वो लगा रहता है जो बिलिंग वाला, ताकि मेरा नाम वाम ना रिवील हो जाए इस वजह से। और मैं बता दूं भाई, ये मैंने DHL से खरीदा है, तो उसका भी मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरा DHL का एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसा है DHL का शिपिंग। तो चलो भाई अभी क्या करते हैं, बिना किसी देरी के इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या निकलने वाला है, क्या सीन होने वाला है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो भाई लोग, अभी आ गया है ये पार्सल, और ये पार्सल जैसे कि मैंने बताया DHL से आया है, तो इसमें कुछ बेबलेट्स हैं। तो उस पर 3,000 रुपए मुझे सिर्फ कस्टम के लग गए, और एक्चुअली में ये मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ गया है। और जिस रेट में मुझे इंडिया में मिल रहा था ना भाई, लगभग उसी रेट का पड़ा है, इवन थोड़ा सा कॉस्टली कह सकते हो सकता है अभी की डेट में वो रेट बढ़ गया हो इंडिया में, तो नहीं कह सकता। तो भाई इसमें ये दो बेबलेट निकल के आते हैं, ये है ड्रैन डोरेगर, ओके। और भाई देखो क्या शानदार पीस है ना, लग रहा है ना तगड़ा। तो भाई ये ड्रैन स्वॉर्ड का अगला वर्जन है बेसिकली, और ये हमने मंगाया है जापान से, जो ऑलमोस्ट 6,000 कुछ का मुझे ये दो सेट पड़े हैं, मतलब 3,000 से ऊपर का एक पड़ा है, और उसपे 3,000 रुपए कस्टम लग गया, लगभग 3,000 समथिंग। तो मोटा मोटा 9,500-9,000 रुपए मेरा खर्चा आया, जो कि लगभग रफली बोलूं तो समथिंग लेस देन 5,000 मुझे कॉस्ट पड़ा, 5,000 के आसपास ही इनका एक का कॉस्ट है। तो काफी कॉस्टली बेस है ये, और ऑब्वियसली कलेक्शन पर्पज के लिए B4 लिमिटेड जाइंट एडिशन बोलते हैं इसको। दो ड्रैन ड्रैगर निकले हैं, आई एम सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, और अर्लियर मैं कर रहा था आई थिंक। तो भाई ये है दो ड्रैन ड्रैगर, और काफी ज्यादा रेयर बे हैं, जैसा कि देख सकते हो B4 लिमिटेड बे हैं, मैं दिखा देता हूँ। तो ये रहा भाई B4 लिमिटेड ड्रैन ड्रैगर और बेब्लेड एक्स, इसके साथ जो कॉम्बो आता है वो ब्लैक कलर का बे आता है 280GP एक्सट्रीम गियर स्पोर्ट्स। तो भाई ये B4 लिमिटेड बे प्लस जाइंट एडिशन है, तो मेटल कोट ब्लैक कलर का ड्रैन ड्रैगर है, तो स्पेशल एडिशन है, काफी रेयर है, इतनी आसानी से भाई देखो नहीं मिलने वाला है टू बी ऑनेस्ट, और दिक्कत होगी ऑब्वियसली मिलने में। और लोगों ने जो मुझे बताया है, मुझे नहीं पता है, मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूं जो मुझे लोगों से पता चला है, कि आप भाई जो भी आप बेबलेट खरीदते हो उसमें QR होता है, QR स्कैन करोगे, QR स्कैन करके आप टगाटोमी का जापानीज ऐप है उसमें स्कैन करोगे तो आपको पॉइंट मिलेंगे, फिर ऐप में खेलो, खेलने में जब आप भाई कई बार खेलोगे तब ऐसे बेस B4 लिमिटेड वाले मिलेंगे, वो आप जाके जो कुछ दुकानें होंगी B4 वाली वहां से ले सकते हो। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसलिए बेस काफी ज्यादा रहे ना आसानी से नहीं मिलते, मतलब ये ऐसे नॉर्मल सेल वेल पे नहीं जाते, तो इसलिए B4 लिमिटेड बेस भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है लाने में और बहुत दिक्कत करते हैं। तो यस गाइस, ये जाइंट्स एडिशन है, तो मैं बता दूं कि जैसे एक अपना वेल्करी आया था, मुझे याद नहीं आ रहा, बस में भी इन्होंने जाइंट्स एडिशन बनाए थे, तो उसका नाम ग्रैंड वेल्करी था, तो ऐसे ही ब्लैक कलर में बनाया था, तो काफी अलग बे था, ये भी उसी टाइप का है कुछ सीन। और आई होप अच्छा लगे, तो अभी तो इसको अनबॉक्स नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो सिर्फ एक इंट्रो टाइप का था कि यस गाइस एक अमेजिंग बे अपने पास आ गया जो हम अनबॉक्स करने वाले। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब इसको अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे कैसा परफॉर्म करने वाले ड्रैंड डैगर। तो अभी के लिए गाइस इतना ही, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस स्टे सेफ and see you next time.